आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा रीति रिवाज जिसमें शादी होने के बाद लड़का लड़की को 3 दिन तक टॉयलेट नहीं जाने दिया जाता है। ये परंपरा एक ऐसे देश की है जहां पर ऐसे रीति रिवाज और रस्में निभाई जाती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही रीति रिवाज के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर बात करें शादी की, तो शादी किसी भी धर्म या संस्कृति के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। इसीलिए इसे खास बनाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरह के रीति रिवाज और रस्में निभाई जाती हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब रीति रिवाजों में इंडोनेशिया के टीडोग कम्युनिटी का तरीका कुछ ज़्यादा ही अजीबोगरीब है। यहाँ नवविवाहित जोड़ों पर शादी के 3 दिन तक टॉयलेट जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ होता है। 3 दिनों तक जोड़ों को बहुत कम खाने पीने की अनुमति होती है और यहीं से शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है। उसके बाद उन्हें नहलाया जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। यदि वर वधु टॉयलेट जाते हैं तो उनकी पवित्रता भंग हो जाती है और वे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शादी के 3 दिन बाद दूल्हा दुल्हन के टॉयलेट जाने पर पाबंदी रहती है और अगर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।